आज पूरे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ, मतलब काहे के लिए हुआ है ये थोड़ा? हम महाशिवरात्रि का एक दिन आज हम बैठक ऐसे उपलब्ध बैठक करी है। उसमें हम हर साल पूरे गांव में आमंत्रण के लिए जाते थे, पर इतना समय नहीं है और इतना कोई आदमी के पास टाइम भी नहीं है। इसलिए महाशिवरात्रि के दान दक्षिणा में कोई भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष में कोई भी दान दक्षिणा देना हो तो 4 तारीख 4 तारीख 5 तारीख को भी यहाँ आके दान दक्षिणा दे, क्योंकि महाशिवरात्रि का कार्यक्रम करना है, महाशिवरात्रि को उज्जवल हमारे को करना है। इसलिए हम यहाँ वाकनेर से सरपंच अंबु भाई, भीम सिंह पटेल और दुधवी से कंटिया पटेल और चिलवाड़ से सुर सिंह सरपंच शायला पटेल सेवा भाई और मथवाड़ से भल सिंह भाई, दिलीप पटेल, भूटा भाई, हम सब एक इकट्ठे हुए। ये इतने नाम लेने जाएंगे, सागर सरपंच, बहुत सारे हम ये इकट्ठे हुए हैं। तो ये आमंत्रण जितने भी अपने यहाँ अपने इलाके में जो महाशिवरात्रि को मानता है तो यहाँ आके न दान दक्षिणा भी दे, और दान दक्षिणा दे तो दे पर महाशिवरात्रि की प्रसाद लेने 8 तारीख को आए, ऐसे काम सुझाव कर रहे हैं, इसलिए एकत्रित हुए। तो सरपंच साहब, यहाँ पे इस वक्त क्या क्या व्यवस्था को लेकर आप शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बोले? आज हम महाशिवरात्रि पर्व जो आगे अभी आने वाला है 2024 वाला, इसके लिए हमने यहाँ आसपास के जो हम क्षेत्र के लोग सामूहिक में इनके महाशिवरात्रि का कार्यक्रम करते हैं, इसके संबंध में इसको किस तरफ से हम इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इस आधार से हम यहाँ के आसपास के जो हमारे जो लगे हुए गाँव है मथवाड़ बेल्ट में, करौजानी, दुधवी, मथवाड़, वाकनेर, चिलवट, नहीं कि सब गांव जो कि अभी माताजी के आसपास जो गांव है इनका नाम ले रहा हूं, लेकिन मैं आसपास के सभी गांव के पटेलों को भी बुलाइए, सरपंच को भी बुलाइए और सहयोग के जो लोग हैं इनको बुलाइए। और हर साल हम कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम को कैसे करके उसको कार्यक्रम करने के लिए धनराशि जैसे जरूरत पड़ती है उसके बारे में चर्चा करें और कार्यक्रम को अच्छा से अच्छा बनाने के और सोच से करके हमने ये बैठक रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग महाशिवरात्रि पर्वों पर दुनिया दुनिया जाके दर्शन करते हैं। तो हमारे सामने माननीय माता जी है, जैसे हम देवमोगरा जाते हैं इस आधार से यहाँ रानी काजल माता पे भी लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ आसपास के लोगों को हम ये मैसेज देने चाहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी रुचि लेना चाहिए। जो दुनिया में दर्शन करने जाते हैं वो माता भी यही है, और जो माता है सबका मिलजुल के उसका सहयोग चलता है। तो हमारे हमारे क्षेत्र की जो माता है उसका मान दर्शन आगे बढ़े, हमारे क्षेत्र का अच्छा हो, हम सब सहयोग लेके आगे ऐसे कार्यक्रम करते रहे, ऐसी कमी नहीं आए, इस बारे में हमने यहाँ के सभी गांव के पटेल, सरपंच, जो गांव के प्रमुख लोग हैं, क्योंकि हम एक का नाम लेने जाएंगे तो कोई छूट जाएगा, इसलिए हम सामूहिक में जो बैठे हैं ये आसपास के सब मुख्य है, पढ़े लिखे लड़के है, नौजवान साथी है, पटेल साहब है, इनसे सबसे अनुरोध है कि हम हनुमान जी मंदिर से कलश निकालते हैं उसमें हमारे गांव के जो प्रमुख लोग हैं इनको सवेरे से उस तैयारी में लगना चाहिए। और जिसको ऐसा हमको कहना नहीं चाहिए कि महाशिवरात्रि का कार्यक्रम हमको पता नहीं है, ये वाली बात नहीं आना चाहिए। हम ये कार्यक्रम हमासे के लिए हमने तय कर दिया है, शिवरात्रि पे भी होगा और नर्मदा जयंती पे होगा, ये मेरा कहना है। आप सबको राम राम। शिवरात्रि की आज बैठक की गई, सरपंच साहब क्या कहोगे? हमने सब इस क्षेत्र के सभी सरपंच, पटेल, आम जनता, प्रमुख, मुख्य सभी को बुलाकर हमने तय करा कि इस व्यवस्था को किस प्रकार रखा जाए और उसका मार्गदर्शन कैसे करें। सभी हर गांव के अगर कोई नहीं आया हो तो उसको इस वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाए, यही मेरा कहना। बहुत बहुत धन्यवाद।